हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान रोडवेज की प्रदेश व्यापी चक्का जाम हड़ताल बुधवार को भी जारी रही। इस हड़ताल का सोमवार को 10वां दिन था। हड़ताल के दौरान धरने पर बैठे रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस हड़ताल का असर दूसरे व्यवसायों पर भी पड़ रहा है। हड़ताल के कारण रोडवेज बस स्टैंड के भीतर लगी दुकानें भी यात्रियों के अभाव में बंद पड़ी है। वहीं ऑटो चालक भी यात्रियों के नहीं होने से खाली बैठे हैं। प्रदेश में चल रही रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। बुधवार को हड़ताल को 10 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन इस पर सरकार की तरफ से रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल खत्म करने को लेकर कोई सकारात्मक प्रयास नजर नहीं आ रहे हैं। रोडवेज की बसें नहीं चलने से प्रदेश में रोजाना करीब 10 लाख यात्री परेशान हो रहे हैं, लेकिन ना तो सरकार को इसकी चिंता है और ना ही हड़ताली कर्मचारियों को। सरकार और हड़ताल पर गए कर्मचारियों की कश्मकश में आम आदमी फंस गया है और उसे काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। बस स्टैंड से बसों का संचालन बंद है, जिससे हड़ताल का फायदा उठाकर निजी बस ऑपरेटर्स और लोक परिवहन सेवा बस संचालक यात्रियों से ज्यादा पैसा वसूल रहे हैं। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।